नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर सवाल आपको पूछना है और हमारे साथ जुड़ना है तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी कि एक्स पर अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही आप हमें कॉल कीजिए, फोन लाइन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी और उस पर अपने उस नंबर पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें हमारा चैनल यूट्यूब पर लाइव देख रहे होंगे, वहाँ पर भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई सवाल पूछने के तरीके की, लेकिन एक बार बाज़ार पर नज़र डाल लेते हैं। और काफ़ी अच्छी तेज़ी में है बाज़ार इस वक्त। एक मामूली दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही एक स्पाइक आया बाज़ार में और इसको सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर आ चुका है, पिछले कुछ मिनटों में ही एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट बाज़ार अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, 22,442 के पास ट्रेड हो रहा है मार्केट में, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड हो रहा है। और बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी लगभग 100 अंकों की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो शानदार तेज़ी है, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है मार्केट में। और अगर मार्केट में भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर भी आज चल रहे हैं और ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अगर रेशियो देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन भी देखेंगे तो चुनिंदा आईटी और एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर को भी, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ऑटो स्टॉक्स आज चल रहे हैं, मेटल स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग नज़र आ रही है क्योंकि चीन की तरफ से डेटा आए, कुछ नंबर्स काफ़ी मजबूत थे जिसके चलते आज हम मेटल स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देख रहे हैं और सरकारी बैंकों से भी आज अच्छा सपोर्ट है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी, एक बार निफ्टी आपको दिखा देते हैं, 42 अंक ऊपर 22,450 के पास इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी। अब एक बार गेस्ट से भी समझ लेते हैं कि वो तेज़ी कितनी टिकाऊ देख रहे हैं और इस तेज़ी में क्या करें। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से कुणाल परार जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल, काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आई पिछले कुछ मिनटों ही मार्केट में, क्या करें इस तेज़ी में, कोई ट्रेड आप देख रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में किसी पर? यस, डेफिनेटली एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है एंड लाइकली चांसेस है कि यहाँ से और भी एक्सटेंड हो सकती है। मेरा जो पर्टिकुलर व्यू है वो स्टॉक को लेके, तो मैं कहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे अभी फोकस बना के रखना चाहिए। 820 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है मेरी। यहाँ से एसएल की बात करें तो लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलने वाले हैं वो 805 का होगा, 805 का एसएल होगा। टारगेट भी बहुत बढ़िया टारगेट हम यहाँ पे ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला टारगेट है 832 का, वो जैसे 850 तक के भी टारगेट हमें एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो मोमेंटम बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है, उस मोमेंटम में एसबीआई एक अच्छा खासा स्टॉक है जहां मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो एसबीआई खरीदारी करके चलिए 805 के एसएल के साथ। ठीक है, तो ये नजरिया इस वक्त आता हुआ कुणाल जी की तरफ से। और इन सब के बीच में नतीजों का दौर है, तो एक खास मैनेजमेंट भी हमसे जुड़ रहा है। ज़रा मैं जानकारी दे दूँ, चौथी तिमाही में मदसन सुमी वायरिंग की आय में 19% की बढ़ोतरी रही है, मुनाफे में 38% की बढ़त देखी गई, मार्जिन में भी सुधार हुआ है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO महेंद्र छाबड़ा और COO अनुराग गहलोत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले अनुराग जी, मेरा आपसे सवाल होगा, नतीजों के बारे में तो हमने बात की, अब जरा हम थोड़ी भविष्य की पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। FY25 का आउटलुक थोड़ा म्यूटेड जो है उसका अनुमान नजर आ रहा है ओईस की वजह से। इन सब के बीच में अगर हम देखें किस तरह का नज़रिया FY25 में आपका बन रहा है, खासतौर पे अगर ग्रोथ ड्राइवर्स को समझें तो वो कौन कौन से हैं और किस तरह के नए लॉन्चेस आपकी पाइपलाइन में हैं? जो मार्केट की
ग्रोथ है वो अभी बहुत सारे जो मेजर ओईएम्स हैं कंट्री के अंदर, उन लोगों ने अनाउंस करा है कि वो लोग अपनी जो है कैपेसिटी जो है इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा कैपेसिटी को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारे सबसे बड़े कस्टमर हैं मारुति सुजुकी, उन लोगों ने कहा है कि वो 2.3 मिलियन व्हीकल से 4 मिलियन की व्हीकल की कपैसिटी अपने यहाँ क्रिएट करेंगे अगले 6 से 7 साल में, और ये सारा डेटा जो है पब्लिक डोमेन के अवेलेबल है। मेजर कस्टमर अनदर ओईएम लाइक टाटा मोटर्स, जिन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने गुजरात फैसिलिटी ऑफ फोर्ड उन्होंने ली है, प्लस उन्होंने तमिलनाडु के अंदर जमीन भी ले ली है, और कुछ नए कस्टमर्स भी कंट्री के अंदर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कार की आज की तारीख में पेनिट्रेशन है वो अभी रिलेटिवली लो है इंडिया के अंदर। अगर हम देखें तो वो करीब 24 से 30 के बीच में पर हजार जनसंख्या के ऊपर आती है, जबकि अगर हम यही फिगर एवरेज वर्ल्ड वाइड देखें या यूरोप और यूरोप के विकसित देशों के बारे में देखें तो वो 500 के ऊपर आती है। तो एक अपॉर्चुनिटी वहां पर भी है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में जो है तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट ऑटोमोटिव है, और सेकंड जो है नंबर पे है रोड नेटवर्क के अंदर। और जिस हिसाब से रोड और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जिस स्पीड से, उससे हमें लगता है कि देर इज ए गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर कि ओईएम्स जो है वो अपनी बॉडी को लॉन्च करेंगे और लोगों को खरीदने में आसानी होगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडियन मिडिल क्लास है वो ग्रो कर रहा है, उसके ग्रो करने से जो आमदनी हो रही है वो आमदनी बहुत बड़ा पुश कर रही है कि लोग जो हैं जो कार बायर्स हैं उनका पूल बड़ा होता जा रहा है, और ये कार पूल एंट्री लेवल का भी नहीं है। इसमें लोग वो हैं जो कि फीचर रिच या गाड़ी के अंदर जहां पर कि गाड़ी में फीचर ज्यादा होते हैं उन गाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग आने वाले सालों में, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड ग्रोथ इन द फ्यूचर एज वेल। बिल्कुल अनुराग जी, आपके दो नए प्लांट के बारे में बताइए, वहाँ पर आप कितना निवेश करने की आपकी योजना है और कब तक उस प्लांट में कामकाज शुरू होगा पूरी तरीके से? ये दोनों प्लांट जो हैं हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, और Q1 के लेटर स्टेज में जो है इसमें ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। जो वॉल्यूम्स का रैंप अप है वो Q3 और Q4 के अंदर होगा, और वो Q1 के FY 2025-26 तक भी जाएगा। जो दोनों के दोनों प्लांट हैं ये हमारे EV और ICE दोनों तरह के पावर ट्रेन को सर्व करेंगे, और दोनों के दोनों जो प्लांट हैं वो हमने जो कैपेक्स जो पिछले साल का हमारा कैपेक्स था उस कैपेक्स के अंतर्गत हमने उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ करा है, इन्वेस्ट करा है, और इस साल के अंदर भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर इन्वेस्ट होने वाला। बिल्कुल महेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। कॉपर प्राइसेस में जो हम एक रैली हमने देखी है, और इन सब के बीच में अगर हम कॉपर प्राइसेस के उतार चढ़ाव को देखें तो कारोबार और कस्टमर्स दोनों के लिहाज से समझना चाहेंगे कि आखिर क्या नज़रिया बन रहा है। कॉपर की बात है, कॉपर हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओवरऑल वायरिंग हार्नेस का, और जो भी कॉपर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती है उसके लिए हमारा कस्टमर के साथ पास थ्रू अरेंजमेंट है। कुछ कस्टमर्स को ये प्राइस डिफरेंशियल या फ्लक्चुएशन हम एक क्वार्टर के लैग पे पास ऑन करते हैं, और कुछ कस्टमर्स के साथ हम इसको हाफ ईयरली पास ऑन करते हैं। सो जहां तक कॉपर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन की बात है, उससे MSBL के PNL पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। आने वाले समय में सर आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर्स और हेडविंड्स, किस तरीके की देख रहे हैं आप? एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, हम लोग अपनी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेट्रिक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं, और ग्रुप का एक टारगेट है कि हमें 40% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए हमारे बिजनेस में। और FY 2023-24 का हमारा एक्चुअल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 48%, और उससे पहले वाले साल में 44% था। तो उस पर हम लोग लगातार बेटर कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। एंड अनुराग जी, इस पे इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दैट।
हाँ महेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा सारा फोकस जो है रोज के ऊपर रहता है, और वैसे भी हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 48% के करीब रोज अचीव किया है, जो कि 44% था उससे पिछले साल के अंदर। टीम जो है काफी ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट के ऊपर काम कर रही है, काफी सारे कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव पे काम कर रही है, और रिकवरीज फ्रॉम कस्टमर भी अभी चल रही है। तो और ये अभी हमारे दो नए प्लांट भी आने वाले हैं, जिसके अंदर की हमने कहा है कि हम अपने लोगों को ट्रेन भी कर पहले करेंगे, जिससे कि जब हमारा रैंप अप हो जाता है तो उस टाइम पे रैंप अप होते हुए भी हम वो वाली एफिशिएंसी अचीव कर पाएं जो कि आपके मास वॉल्यूम के अंदर हम अचीव कर पाते हैं। तो आई थिंक विद दैट वे वी आर गोइंग टू अचीव द रोस विच इज अ ब्रॉडर पिक्चर, और आई थिंक जो आपने भी सवाल पूछा है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट महेंद्र जी, अनुराग जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आज अपना, और नतीजों पर बात करने के लिए। नतीजे आए थे कंपनी के, और उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक बेहद सपाट कारोबार कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सेगमेंट हम शुरू करते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। चलिए आज ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विनय रजानी साहब जुड़ चुके हैं। विनय जी, गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए आपकी क्या होगी? जी, गुड मॉर्निंग। तो आज की ऑप्शन की रणनीति लॉन्ग साइड पे ही रहेगी, और उसमें से मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो पीएसयू सेगमेंट में से, डिफेंस सेगमेंट में से है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज ही के सेशन में हमने देखा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, और पिछले 3-4 वीक से जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसमें से एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो जिस तरह से पिछले दिनों हमने एचएएल, बीडीएल जैसे स्टॉक्स, डिफेंसिव स्टॉक्स में जिस तरह की अपमूव देखी है, उसके चलते ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर पूरा अच्छा कर रहा है, और उसमें से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में रजिस्टर हुआ है। तो उसके चलते, ये रैशनल्स के चलते, मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मई का 245 का कॉल रिकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग साइड पे, जो 8.40 रुपए के करीबन है। स्टॉप लॉस आपका 5 रुपए का होना चाहिए, और अपसाइड में आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 रुपीज का। तो इसकी जो लॉट साइज है वो 2850 की है, तो अगर आप टारगेट से अगर मैक्सिमम गेन गिनते हैं तो रिकमेंडेड प्राइस से टारगेट का जो गैप है उसी हिसाब से जो मैक्सिमम गेन पॉसिबल है वो 15,960 रुपए का है एक लॉट पे, और मैक्सिमम जो लॉस है वो 9,690 रुपए का है। तो जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल है, तो 15,960 का प्रॉफिट और 9,690 का आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप प्लेन वेनिला कॉल ले सकते हैं 245 का मई मंथ का। शुक्रिया करेंगे विनय जी आपका इस ऑप्शन की कॉल के लिए। तो बीएल 245 की कॉल, जो कि आपको 8.5 रुपये के आसपास मई सीरीज की मिलेगी, इसे आपको खरीदने की सलाह। लक्ष्य 14 तक का, स्टॉप लॉस यहाँ 5 रुपये का, अधिकतम मुनाफा 15,960 के, अधिकतम नुकसान 9,690 का। लेकिन यहाँ आपको सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर बता दें, स्टैंडर्ड सेबी रिस्क डिस्क्लोजर ये कहता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिस्क बहुत है, 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और पक्की तैयारी हो तो ही इसमें निवेश करें। ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एज वेल एज मच एज पीपल कैन फोरसी, बट व्हाट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू दिस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दैट लाइज अनटैप्ड टिल नाउ? दीज आर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। We also know clearly both the central bank, that is RBI in India, and the government's own economic survey reports have repeatedly said, from those days of twin balance sheet problem in 2013-14, today it is a twin balance sheet advantage situation. So both the corporate sector's balance sheet and the government and the financial sector's balance sheets have all just not turned around the corner, are now in pink of health. And if that is the case, the vibrancy with which investments can happen, expansions can happen, and the banking sector can be buoyant enough to address the credit requirements, push the economy faster, make sure that the big and small all have credit access, and that the banks themselves will therefore be able to be the track on which the economy can move fast. So the twin balance sheet advantage, as the RBI called this development, is there before us for both the opportunities and for the confidence element
that this situation gives us. Much has been said about the demographic dividend. But I also want to underline the fact not just that it gives you skilled manpower, on which the skilling exercises both from the private and also the public sector, some also with joint partnership with public and the private industry groups themselves identifying the level of skilling and in the areas of skilling that they want, inclusive of AI, deep data. Skilling is really being ramped up in India, so the demographic dividend, which will persist for the next 30 years. So you're talking of India's growth story. You're talking of where the opportunities lie, whether it is the consumer spending, as I just gave you 3 points from the S&P. शामिल कर लेते हैं हमारे साथ तो गुरुग्राम से गुरुदेव सिंह जी मौजूद हैं. नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर. हाँ नमस्कार मैम, मैं मेरे पास डेक्सॉन पड़े हुए हैं 10 शेयर 44 के हिसाब से 4400 4400 पे लिया आपने. हाँ जी, कंग्रेचुलेशन सर, काफी अच्छे भाव पर लिया है और मुनाफा भी आपको हो रहा है. शेयरों की संख्या थोड़ी और ज्यादा होती तो मुनाफा और बेहतरीन हो रहा होता, लेकिन आज डिक्सन टेक हम देख रहे हैं ऊपर भी है, 9% के करीब कारोबार कर रहा है. कंपनी के कुछ दिन पहले नतीजे भी आए थे, वो भी अच्छे थे. और इसके अलावा कंपनी देखिए डाइवर्सिफाई भी कर रही है अपने पोर्टफोलियो में. आज खबर भी आई है कंपनी ने एसर के साथ भी करार किया है, रियलमी के साथ भी कुछ टाई अप किए हैं, जिसके चलते आज करीब 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी डिक्सन टेक में देखने को मिल रही है. विवेक जी, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं. स्टॉक इनके जो खरीदारी की थी इन्होंने जिस लेवल पर, वहाँ से ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा हो चुका है. समय देना चाहिए और होल्ड करें स्टॉक को? गुड मॉर्निंग पूजा, सभी को गुड मॉर्निंग. देखिए, पहली चीज तो डिक्सन का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है करीबन 28% है, तो मतलब बहुत ही शानदार कंपनी है ये. और मुझे लगता है कि आगे चल के जो ईएमएस स्पेस है, पर्टिकुलरली जो ईएमएस बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यहाँ पे आप आगे चल के सेमीकंडक्टर चिप्स और जैसे डिक्सन अभी नए नए करार भी कर रही है, इसी का पूरा दौर चलने वाला है अगले एटलीस्ट 3 से लेकर 5 साल तक. तो मुझे लगता है कि स्टॉक लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा करेगा. आपको शॉर्ट टर्म में देखिए, आज 8% करीबन 700 रुपये बढ़ चुका है, तो वैल्यूएशन वाइज कोई एंगल से सस्ता नहीं है. लेकिन वैल्यूएशन इतना हाई इसके लिए चल रहा है क्योंकि आगे चल के क्या होने वाला है कंपनी में, ये भी बाजार को बहुत उम्मीदें हैं. तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है. शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो तो जस्ट होल्ड करिए. मतलब फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन कंपनी बहुत शानदार है. बिल्कुल, तो ये है सलाह डिक्सन टेक पर आपके लिए. एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर.